Children, today I have got a topo sheet with me, and uh, this is uh, a topo sheet given in your book itself, right? And actually, in ICSC, uh, we are going to have you can see the number of the sheet G43S10, okay, and G43S7. These two are the sheets which are going to come in the ICSC, like um, in the entire syllabus, we have to cover these two sheets, okay. So, any of these sheets can come in the exam. Okay. Now, you big sheets and one part, just a small part, is given in your book. Okay. Just to have a practice. Right. The same way you will be getting in the board exam also. A small part of the entire big sheet, number seven and number 10, out of that, a small part of that will be given to you in the board exam.

बड़े एरिया को लोकेट करते हैं राइट right? बड़े एरिया को लोकेट करते हैं मतलब सपोज फोर फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है बच्चों uh, पूरे शीट में आप बहुत सारे रेड लाइंस आप देखोगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस राइट दीज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस यू कैन सी द नंबरिंग्स आर गिवन ओके दीज आर कॉल्ड द ईस्टिंग्स वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड द ईस्टिंग्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड द नॉर्थिंग्स राइट ऑल दीज आर द ग्रिड लाइन्स क्लियर अब इसमें बच्चों जब भी हमें सपोज कोई क्वेश्चन मिल गया यू गिव रेफरेंस ऑफ द ओपन ओपन स्क्रब यू कैन सी हियर इन द मैप राइट इन द मैप इट सेल्फ यू कैन सी वेरी क्लियरली ओपन स्क्रब इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ दिस टोपोशीट राइट तो सपोज द क्वेश्चन गिवन टू यू इज ओपन स्क्रब का जो फोर uh, फिगर है वो आप मेंशन करिए अब इसमें आप कैसे दोगे उसका इजीएस्ट वे क्या होता है ठीक है ठीके? वर्टिकल लाइन का वैल्यू हमें देना है नंबरिंग आप देख सकते हो नंबरिंग जो है ईस्टिंग का नंबरिंग जो है वो इंक्रीज होता है टूवर्ड्स द ईस्ट राइट जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं इसका नंबर इंक्रीज होता है और नॉर्दिंग का जो ये वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनका नंबर ऊपर की तरफ बढ़ता है ठीक है अब इसमें अगर हमें ये ये ग्रिड ग्रिड स्क्वायर स्क्वायर देना देना है देना है राइट फोर फिगर ओपन स्क्रब का तो ये हम कैसे बताएंगे इसके लिए सबसे परफेक्ट वे क्या होता है कि हम जहां भी ओपन स्क्रब है बच्चों जैसे ये इस स्क्वायर में है राइट तो इसमें हम एल बना लेते हैं ऐसे राइट ये हमने एल ऐसे करके बनाए कैपिटल एल और कैपिटल एल जब हम बनाते हैं तो जो भी वर्टिकल लाइन कैपिटल एल में हमारे आ रही है ठीक है क्योंकि यहाँ पर दो लाइन आ रही है ना बच्चों पर देखो आप दो लाइन आ रही हैं तो कई बार आप इसमें लेकर के कंफ्यूज भी हो सकते हो और ऐसा होता है बहुत से बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं तो दे जस्ट गिव द रोंग आंसर तो इसके लिए कभी भी गलती ना हो उसके लिए आपको ये चीज ध्यान देना है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक एन एल एल जब आप बनाओगे तो वर्टिकल लाइन जो भी एल में आ रही है ये वाली आ रही है right? राइट इसका आप वैल्यू दोगे ठीक है और उसमें भी ईस्टिंग e का वैल्यू मैंने आपको बताया पहले देते हैं और नॉर्थिंग का वैल्यू जो है उसके बाद देते हैं ठीक है तो इसका ग्रिड स्क्वायर क्या होगा सिक्स वन एंड टू टू ओके सिक्स वन टू टू मीन्स वी आर रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर राइट जिसमें हम ओपन uh, स्क्रब जो ये है इसका हम इसको हम लोकेट कर रहे हैं तो इसमें बच्चों स्पेशली uh, जब फोर फिगर हम मेंशन करते हैं वी आर गिविंग अ लार्जर एरिया इट्स इट्स लोकेशन वी आर मेंशनिंग राइट बट अगर किसी पॉइंट uh, को हमें लोकेट करना है राइट right? उसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है किसी पॉइंट का नॉट एन एरिया तो उस कंडीशन में ये तो वर्क नहीं करेगा राइट right? तो उसके लिए हम और थोड़ा सा एग्जैक्ट uh, 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 जो है लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं अब देखो अब इस स्क्वायर को राइट right? एक साइड जो है स्क्वायर का एक साइड जो है इसका टोटल uh, मेजरमेंट होता है टू सेंटीमीटर्स राइट मतलब टू टू और टू थ्री ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनके बीच में डिस्टेंस जो है दिस इज एग्जैक्टली टू सेंटीमीटर्स राइट सेम वे बिटवीन दिस 61 एंड 62 राइट right? इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है टू सेंटीमीटर्स मतलब इन इस स्क्वायर में हम क्या करते हैं जो नॉर्दिंग है राइट right? और जो ईस्टिंग है दोनों साइड की लाइंस को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं टेन पार्ट्स में ओके okay? तो अगर टू सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है

दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया और टेन पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो टू मिलीमीटर्स के गैप पे एक एक डिवीजन हो जाता है ठीक है अब उसको हम कैसे इस पे निकालेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ सपोज मैं आपको एक पॉइंट दिखाती हूं इसमें जैसे हमें निकालना है ये आ, कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया मान लो ये फाइव जीरो वन है ठीक है दिस इज अट फाइव जीरो वन जब भी एक डॉट और फाइव जीरो वन दिया होगा मतलब उस वो दैट इज अ स्पॉट हाइट ऑफ फाइव जीरो अलग अलग मेथड होते हैं अल्टीट्यूड को शो करने के लिए उनमें से एक मेथड है स्पॉट हाइट राइट अब मान लो इसका हमको निकालना है सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस ओके तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका फोर फिगर निकालेंगे ठीक है अब ये स्पॉट हाइट फाइव जीरो वन का फोर फिगर हम जब निकालेंगे तो ईस्टिंग uh, पहले लिखना है ठीक है ईस्टिंग क्या होगा बच्चों इसमें राइट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ द मेथड एल आपको लेना है ठीक है ये एल आपने लिया तो ईस्टिंग इसमें कौन सा आ रहा है सिक्स फोर और नॉर्दिंग कौन सा आ रहा है टू वन ठीक है अब इसमें आप करोगे कैसे जब आप लिखोगे फोर डिजिट्स फोर डिजिट्स में पहले आप देखो इस तरह से लिखना है आपको सिक्स फोर डैश ओके थर्ड डिजिट के लिए हम वो जगह छोड़ रहे हैं ठीक है द सेम वे टू वन डैश तो दोनों में हमने थर्ड डिजिट का वैल्यू के लिए स्पेस छोड़ दिया अब अब इसमें नेक्स्ट देखो फोर के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पर ये है जब भी स्पॉट हाइट लोकेट करते हैं बच्चों तो इसमें हमेशा कोई नंबर के साथ में एक डॉट होगा राइट right? एक ब्लैक डॉट आप देख सकते हो exactly एग्जैक्टली जहां मैं कर्सर आपको दिखा रही हैं यहां पर एक ब्लैक डॉट है ठीक है अब यहां से उसी पॉइंट पर आप करोगे स्केल इस लाइन पर नहीं लोगे ठीक है जिस पॉइंट का आपको निकालना है सिक्स फिगर वहीं से आपको स्केल पे मेजर करना है आ, आप आप जीरो जो है स्केल का जीरो जो है वो आप रखोगे सिक्स फोर पर ठीक है सॉरी सिक्स फोर पर आपने जीरो रखा और फिर स्केल ऐसे स्ट्रेट ऐसे रखोगे एंड ऑलवेज यू शुड कीप इन माइंड सेंटीमीटर वाला साइड इधर होना चाहिए ठीक है इंचेस में आप मेजर नहीं करोगे क्योंकि ये स्केल जो है जो टोपो शीट्स में हम मेजर करते हैं बच्चों ये सेंटीमीटर है राइट right? सेंटीमीटर्स में ये मेजरमेंट uh, uh, है तो इस वजह से आपको सेंटीमीटर यूज करना सेंटीमीटर एंड कन्वर्जन एक्चुअली इसका स्केल होता है ओके उसको हम बोलते हैं आर एफ स्केल और इसके अकॉर्डिंग जो टू सेंटीमीटर्स हैं टू सेंटीमीटर इक्वल्स टू वन किलोमीटर राइट right? तो ये इस स्केल है इन टोपोशीट्स में राइट right? दोनों टोपोशीट्स जो हम यूज करने वाले जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में है आईसीएससी बोर्ड में इनमें आर एफ स्केल है स्केल मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल राइट वो हमेशा आपको वन इज टू फिफ्टी थाउजेंड ही मिलेगा राइट right? मतलब सेम स्केल एज वॉट आई एम जस्ट नाउ टेलिंग यू ठीक है? अब देखो बच्चों यहीं राइट एक ग्रिड क्लियर एक, right? एक साइड मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दिस इज इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर ओके एंड दिस अदर साइड आल्सो इट्स टू सेंटीमीटर मतलब ये स्क्वायर बन रहा है क्लियर अब अगर हम इसको किलोमीटर मेंशन करें तो एक साइड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अभी हमने स्केल बताया टू सेंटीमीटर दैट मींस वन साइड ऑफ द ग्रिड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच वन किलोमीटर एंड द अदर साइड आल्सो इट्स वन किलोमीटर राइट दैट मीन्स इट्स एन इट्स एक्चुअली दिस ग्रिड हैज गॉट ऑन बोथ द साइड इट इज वन किलोमीटर डिस्टेंस ठीक है ये आपको अभी जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो उसमें आपको ये याद रखना है ठीक है नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस थिंग सिक्स फिगर कैसे निकालना है वो पहले हम क्लियर करें उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट uh, पर आएंगे ठीक है अब सिक्स फिगर के लिए क्या करना है बच्चों मैंने आपको बताया सेंटीमीटर वाला साइड आप स्केल का लोगे ठीक है और उसका जीरो इस लाइन पर रखोगे सिक्स फोर पर ठीक है जीरो आपने यहां रखा एंड यू हैव टू की स्केल लाइक दिस पर जो आप जाओगे ये ये point जो dot जो होता है का, ये डॉट कौन से पॉइंट पर आ रहा है सपोज ये मिलीमीटर्स uh, पर आ रहा है ठीक है फोर मिलीमीटर्स उस स्केल में आपको मिल रहा है तो फोर मिलीमीटर्स मतलब क्या जो भी वैल्यू आपको जितने भी मिलीमीटर्स मिलेगा बच्चों उसको आप डिवाइड कर दोगे टू से ठीक है उसको आप टू से डिवाइड कर दोगे क्योंकि टू मिलीमीटर इक्वल्स टू वन पॉइंट तो मान लो फोर मिलीमीटर है, है जो भी आ रहा है उसको आपने डिवाइड किया टू से तो यूल गेट टू राइट तो आप थर्ड डिजिट जो है जो आपने स्पेस छोड़ा था आपको याद है सिक्स फोर डैश था राइट right? तो इन दैट डैश यू आर गोइंग टू राइट टू ओके अगर वो मान लो फाइव रहा है, ठीक है फाइव मिलीमीटर्स फाइव मिलीमीटर्स डिवाइड जब आप करोगे तो यू विल गेट टू पॉइंट फाइव राइट अब टू पॉइंट फाइव आने पर आप क्या करोगे वेदर यू आर गोइंग टू राइट इन दैट स्पेस टू और जब भी हम uh, uh, जैसे डेसिमल्स हम लेते हैं मैथ्स में राइट टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर 2.4 तक जब होता है जब तक जाता है दैट इज काउंटेड एज 2 राइट आप लोगों को अच्छे से ये चीज पता है एंड व्हेन व्हेन 2.5 इट्स देयर 2.5 2.6 2.7 उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं बच्चों तो ऑलवेज इट इज टेकन एज 3 यस और यही रीजन है जब भी 2.5 या 2.6 या 2.7 जो भी डिवाइड करने पे आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है whether it is 3

सेम चीज आप यहां भी करोगे अब स्केल इस तरह रखना है वर्टिकली ठीक है और उस कंडीशन में जीरो आप यहां पर रखोगे ट्वेंटी वन पे ठीक है उल्टा नहीं रखना बच्चों कभी भी उल्टा स्केल से मेजर नहीं करना क्योंकि वो फिर आप आ, आ, तो, पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ठीक है हमेशा काउंटिंग जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ ट्वेंटी वन से आप ट्वेंटी वन पे जीरो रखोगे एंड यू विल कीप द स्केल लाइक दिस और ये डॉट जितने भी मिलीमीटर्स पर आ रहा है जैसे ये दो सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है ठीक है दो इन दो लाइंस के बीच में टू सेंटीमीटर्स डिस्टेंस है अब ये मान लो 1.3 पॉइंट सेंटीमीटर्स करीब आ रहा है राइट या मिलीमीटर्स में अगर आप लो तो मिलीमीटर्स में मान लो 13 मिलीमीटर्स आ रहा है थर्टीन मिलीमीटर फोर्टीन मिलीमीटर जो भी आ रहा हो ठीक है अगर फोर्टीन मिलीमीटर्स आ रहा है आपने डिवाइड किया वॉट यू आर गोइंग टू गेट

ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ तो ये चीज बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे थर्ड uh, डिजिट आप निकालोगे इसमें ठीक है ये हो गया हमारा सिक्स रेफरेंस। और ये बच्चों हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन के लिए काम में मतलब इस, इसका यूज जो है बेसिकली um, uh, वहां पर होता है जहां हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना पॉइंट मीन्स इट कैन बी इवन यू नो कोई जैसे uh, uh, टेम्पल uh, है या कोई पुलिस uh, स्टेशन है या पोस्ट uh, ऑफिस है इस तरह से कोई भी एक पॉइंट को लोकेट करने में यह हेल्पफुल होता है ठीक है तो एक uh, ये सिक्स फिगर ग्रेड रेफरेंस का ये uh, हो गया अच्छा नेक्स्ट हमें जो यहां पर इसमें शीट में वर्क करना है दैट इज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ठीक है बच्चों अब डायरेक्शन देखो तीन तरह के डायरेक्शंस आपको इसमें वर्क करना है तीन डायरेक्शंस पे नंबर वन इज डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस राइट एक प्लेस का दूसरे प्लेस से डायरेक्शन क्या है उस कंडीशन में एक चीज आपको याद रखना है आ, कि, आ, किसी भी प्लेस का जो हम डायरेक्शन निकालते हैं फ्रॉम विच प्लेस इट इज गिवेन क्वेश्चन में आपको बहुत केयरफुली ये चीज पढ़ना है बच्चों की कि किसी भी प्लेस का अगर डायरेक्शन बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन किया हुआ है तो वो कहाँ से पूछा है ठीक है और उस केस में जब भी आप वो आप देखोगे तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस का डायरेक्शन पूछते हैं ठीक है मान लो इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूं लेट्स टेक वन एग्जाम्पल इन दिस केस सपोज दिस इज देवली ओके या यू कैन सी द कर्सर यस देवली वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ देवली फ्रॉम गजनिया मोदी राइट right? मोदली ये कुछ कोई कोई छोटे छोटे प्ले आ, आ, हैं बच्चों ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप है राइट right? हिली माउंटेनस एरिया है ये क्योंकि आप कैसे बता सकते हो माउंटेनस एरिया है क्योंकि बहुत सारे क्लोज आपको यहाँ पर कंटूर्स दिखेंगे ठीक है इस टोपोशीट में बहुत सारे कंटूर्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू तो इच अदर

कलर कौन सा है इस इस वाले पोर्शन में ये पूरा ग्रीन कलर्ड है राइट लिविंग जस्ट स्मॉल पार्ट राइट एक एक्सट्रीम साउथ में आप देखोगे ये ये थोड़ा येलोइश पार्ट है राइट मींस इट एक्चुअली द बेस राइट फुटहिल एरिया क्लियर ये माउंटेनस एरिया है यहाँ पर नीचे आपको कोई कंटूर्स नहीं दिखेंगे येलोइश कलर्ड एरिया जो है यहाँ पर कोई कंट्रूज नहीं दिखेंगे मतलब इट्स अ प्लेन एरिया हिल रीजन है राइट right? और यहां पर येलो कलर का होना मतलब येलो कलर इंडिकेट्स कल्टिवेबल लैंड तो यहाँ ऑक्युपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहां बनते हैं बच्चों अगर कोई भी एरिया येलो कलर्ड है मीन्स इट्स अ कल्टिवेबल लैंड राइट तो मेन ऑक्युपेशन लोगों का यहां पर हो जाएगा कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर ओके okay, या फार्मिंग अगर ग्रीन कलर्ड एरिया जैसे आपको यहां पर दिख रहा है इन द मेजर पार्ट ऑफ दिस मैप ग्रीन कलर्ड एरिया होना मतलब इट्स अ ग्रीन वॉश भी हम बोलते हैं वर्ड यूज करते हैं इसके लिए राइट right? तो अगर ग्रीन वॉश है दैट मीन्स इट्स अ फॉरेस्टेड एरिया तो कौन सा ऑक्यूपेशन होगा इससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन मेनली इट इज गोइंग टू बी एनी फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ओके फॉरेस्ट्री वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो राइट एनी फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ओके एंड Uh, uh, next thing uh, which i was telling you just now to give the the uh, direction of one place uh, to the other in that case suppose abhi maine aap se bola ki hame maan lo devuli devuli ka direction hame nikalna hai theek hai from this gajniya modli this is a place right agar from गजनिया मोदली हमें निकालना है देवली का direction, तो हम कैसे जानते uh, किस direction में है फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग यू आर गोइंग टू इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग हि राइट अपना प्रोटेक्टर आप यहां पर रखोगे और इस तरह से आप चेक करोगे राइट इन दिस वे यू विल कीप य प्रोटेक्टर ठीक है और जब प्रोटेक्टर यहाँ पर यूज रखोगे आप तो आप देखोगे स्ट्रेट अपसाइड इट इज ऑलवेज नॉर्थ ठीक है अपसाइड इस पॉइंट से हमेशा ये नॉर्थ होगा और टूवर्ड्स द राइट साइड ऑलवेज इट इज ईस्ट ठीक है ट वेस्ट ऑलवेज इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट साइड इट इज ऑलवेज वेस्ट एंड डाउन जस्ट ऑपोजिट ऑफ द नॉर्थ यू आर गोइंग टू गेट साउथ ओके अब देखो ये स्ट्रेट ये और ये मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच के क्वाड्रेंट में ये पड़ रहा है राइट right? देवली जो है बच्चों अगर हम गजनिया मोदली से अगर देखेंगे तो इट्स एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन राइट मतलब नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है दैट्स व्हाई इट इज इट विल बी डायरेक्शन ऑफ देवली फ्रॉम गजनिया मोदली इज गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट क्लियर अगर देवली स्ट्रेट होता ठीक है जस्ट ऊपर इसके होता द नॉर्थ तो डायरेक्शन होता नॉर्थ अगर मान लो मैंने उल्टा आपको दिया जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस गजनिया मोदली फ्रॉम देवली तो आप क्या लिखोगे इसमें इट विल बी देवली से आपको अब निकालना है ठीक है देवली से दिस इज साउथ ठीक है एंड टूवर्ड्स दिस साइड टूवर्ड्स योर लेफ्ट इट इज वॉट दिस इज वेस्ट ठीक है ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया तो इट इज लाइंग इन वॉट इट इज लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी साउथ वेस्ट ओके इस तरह से आपको डायरेक्शन निकालना है दो प्लेसेस के बीच में राइट right? तो एक तो ये डायरेक्शन के केस में एक तो ये होता है डायरेक्शन बिटवीन टू प्लेसेस ओके सेकंड इसमें आता है बच्चों डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है डायरेक्शन ऑफ अ रिवर ओके कोई भी रिवर का डायरेक्शन निकालने को आता है और यहां पर आप देख सकते हो कोई भी मेन स्ट्रीम नहीं नजर आ रही है बच्चों है ना इस वाले मैप में कोई मेन स्ट्रीम नहीं दिख रही है बहुत सारी छोटी 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 वो होती हैं बच्चों जो जस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्टार्ट फ्लोइंग ओके एंड ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द अदर पीरियड दैट इज व्हेन द रेन्स आर नॉट देयर जनरली दे गेट ड्राई उसको बोलते हैं सीजनल स्ट्रीम या या तो वो ड्राई हो जाते हैं या तो बहुत ही कम फ्लो होता है उसमें उनको हम बोलते हैं सीजनल स्ट्रीम ठीक है stream, तो यहां पर ये यह जितनी लाइंस इस तरह से आपको दिख रही है सारे सीजनल स्ट्रीम्स है है बच्चों ठीक अच्छा अब इनका स्लोप कैसे पता चलेगा इनका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा डायरेक्शन के लिए हम एक चीज और यहां पर फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड राइट जनरली हम किसी भी स्ट्रीम का डायरेक्शन निकालते हैं राइट right? तो स्ट्रीम कोई एस सच कोई ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम यहां पर कोई नजर नहीं आ रही है ठीक है तो यहां पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वॉट इज द स्लोप ऑफ द लैंड राइट और जनरली जब भी स्लोप ऑफ लैंड हमें अगर मिल गया किसी भी मैप uh, में तो वी कैन इजीली गेट द आइडिया कि रिवर्स जो है कोई भी सीजनल पेरिनियल कोई भी रिवर इन विच डायरेक्शन दे आर फ्लोइंग राइट अब यहां पर इस केस में देखो बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन अगर हमें निकालना है स्लोप स्लोप निकालना है लैंड का तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल सी चीज है अल्टीट्यूड जो यहाँ पर लाइक पर कहीं कहीं पर आप देखोगे अल्टीट्यूड मैं ठीक है लाइक स्पॉट हाइट सिक्स टू नाइन राइट फिर uh, uh, यहाँ पर देखोगे इट इज देवली के पास में देखो वन थ्री फाइव टू ठीक है फिर ट्राइंगटेड हाइट है स्पॉट हाइट है इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग अ जगहों पे हाइट्स मेंशन है यहाँ पर देखो स्पोराइड वन टू सेवन सेवन राइट फिर यहाँ पर बहुत ही क्लोज ही माउंट आबू के पास में देखो वन थ्री टू सेवन ट्राइंगलेटेड हाइट राइट ये सब हाइट्स मेंशन है और हाइट्स को ही आप देखोगे कि हाइट्स कहां से कहां की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं राइट right? और इस केस में आप देखोगे देखो बच्चों जो हाइट्स हैं राइट right? जो अलग अलग अल्टीट्यूड्स जो मैं यहाँ पर ये सारे डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में जो है हाईएस्ट अल्टीट्यूड है राइट एंड इट्स डिक्रीजिंग टुवर्ड्स साउथ साउथ वेस्ट एंड टुवर्ड्स वेस्ट राइट दिस इज द स्लोप ऑफ लैंड और अगर स्लोप ऑफ लैंड ये है यही रीजन है बच्चों आप देख सकते हो स्ट्रीम्स जो है वो फ्लो ऐसे ही कर रही है आदर दे आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट और दे आर मूविंग टूवर्ड साउथ वेस्ट और दे आर मूविंग टूवर्ड साउथ ठीक है तो इस तरह से आपको डायरेक्शन जो है रिवर का भी इसी से पता चल जाएगा राइट right? ये हो गया क्लियर अच्छा इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर आता है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इस पर बेस्ड आता है जनरली और वो होता है ड्रेनेज uh, पैटर्न का राइट right? सपोज रिवर का हमने डायरेक्शन निकाल लिया राइट डायरेक्शन के साथ में एक और चीज होता है ड्रेनेज पैटर्न अब ड्रेनेज देखो फीचर्स पूछते हैं रिवर के यहाँ पर बहुत ज्यादा फीचर्स आपको नहीं नजर आ रहे बट हाँ इन जनरल यू कैन सी द रिवर्स आर सीजनल ओके सीजनल फ्लो ऑफ रिवर इज देयर बट यस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद दिस इज द ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न बच्चों यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखेंगे किसी किसी मैप में बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स ही नहीं नजर आते हैं तो वहां पर ड्रेनेज निकालना मुश्किल है राइट बट यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है ठीक है और ड्रेनेज पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सा ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है और सिंपल देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर स्क्वायर दे देंगे ठीक है मान लो उस क्वेश्चन में आ गया राइट एग्जाम में व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड स्क्स 6422 ठीक है आप देख सकते हो ये है 6422 अब इस के अंदर आपको बच्चों बिल्कुल और कहीं नहीं देखना है ठीक है एक स्क्वायर में पूछा है तो बस उस स्क्वेयर को आपको चेक करना है राइट इस स्क्वेयर के अंदर जो भी स्ट्रीम्स है ये आप देख रहे हो ब्लैक लाइन जो है ये सब बच्चों स्ट्रीम्स uh, को इंडिकेट कर रही है राइट सीजनल स्ट्रीम्स और अगर ये सीजनल स्ट्रीम्स हैं तो ये किस टाइप का शेप फॉर्म कर रही है एक पर्टिकुलर शेप को बनाती है और अकॉर्डिंग टू द शेप व्हाट दे आर फॉर्मिंग दे आर कॉल्ड एज लाइक उसका पैटर्न हम कैटेगराइज uh, करते हैं कि वेदर इट इज ट्राइज वेदर इट इज डेंड्राइटिक वेदर इट इज रेडियल और डिसअपियरिंग राइट तो यहां पर आप देखो इस वाले स्क्वायर में अगर पूछा है ये देवांगन देवांगन इज समथिंग हियर लाइक वन स्मॉल प्लेस इज देयर राइट नेम इज गिवन तो देवांगन वाले इस स्क्वायर में आप देखोगे स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट ब्रांच लाइक फॉर्म फॉर्मेशन यहाँ पर है राइट right? और जब भी बच्चों ब्रांच लाइक फॉर्मेशन होता है तो वहां पर ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होगा डेंड्राइटिक ओके okay? देखो डेंड्राइटिक को आप एक चीज से आप रिलेट uh, करके याद रख सकते हो व्हिच इज एक्चुअली डेंड्रोन

एक और पैटर्न होता है जो बोलते हैं ट्रिलाइज ट्रिलाइज या पैरल फॉर्मेशन होता है ऑलमोस्ट पैरल फॉर्मेशन होता है अब यहां देखिए अगर कहीं पर पैरल फॉर्मेशन है स्ट्रीम्स का तो आप वहां पर ट्रिलाइज दे सकते हो ठीक है जैसे एक स्क्वायर यहां पर बन रहा है बच्चों ये यह, यहाँ ये यह ग्रिड स्क्वायर में ये पैरल थोड़ा फ्लो आप देख सकते हो यहां पर राइट ये है ग्रिड स्क्वायर दिस इज सिक्स टू वन नाइन ओके सिक्स टू वन नाइन यस दिस वन आप इसमें देखो स्ट्रीम स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रहे हैं नॉर्मल राइट लेकिन आप देखो इसमें जो जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन कर रही है राइट ये ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट दे इट केन नॉट बी एग्जैक्टली पैरल राइट बट येस ऑलमोस्ट पैरल पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं ये ठीक है और बच्चों हमेशा आ, आ, ये चीज समझना आप या पैरल फॉर्मेशन जो है स्ट्रीम्स आ, जो पैटर्न जो होता है डेंड्रेटिक पैटर्न वो पैरल फॉर्मेशन या ट्रलाइज पैटर्न तब होता है जब रॉक स्ट्रक्चर आ, के अकॉर्डिंग वो फ्लो करती है ठीक है तो यहां पर बेसिकली ट्रलाइज फॉर्मेशन हो रहा है राइट तो ये हो गया नंबर टू पैरल फॉर्मेशन जब होगा रेडियल okay. Number Number uh, uh, जब भी किसी पीक से राइट right? किसी भी हायर अल्टीट्यूड से अगर स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं जस्ट लाइक यू कैन जस्ट इमेजिन इन अ सर्कल फ्रॉम सेंटर इन डिफरेंट डायरेक्शन रेडियाई इज आर शोन राइट रेडियस जो ड्रॉ करते हैं हम डिफरेंट डायरेक्शन में सो रेडिया डायरेक्शन राइट डिफरेंट रेडिया केस में जस्ट आप इमेजिन करो वही चीज रिलेट कर सकते हो स्ट्रीम्स के केस में राइट इट इज जस्ट इमेजिन की सेंटर की जगह पे हमारा कोई पीक है ठीक है कोई पीक है माउंटेन का कोई पीक है वहां से जब रिवर्स ओरिजिनेट होती है दे स्टार्ट फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन राइट right? और जब वो दूसरे अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे फ्रॉम द सेम सेंटर राइट ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम सेंटर तो उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न राइट दैट दैट पर्टिकुलर पैटर्न विच इज फॉर्मड दैट इज कॉल्ड रेडियल अब यहां पर बच्चों रेडियल का एग्जाम्पल देखते हैं इस वाले मैप uh, में आपको रेडियल फॉर्मेशन यहाँ पर कई जगह पे दिखेगा Uh, बहुत सारी जगह पे अब यहां पर देखो एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं ये सिक्स थ्री टू वन ठीक है आपको ये ये स्क्वायर दिख रहा है राइट सिक्स थ्री टू वन अब इसमें देखो बच्चों ये ब्लैक लाइन नहीं लेना ब्लैक लाइन इज नॉट द ग्रिड लाइन ओके मैं ये पैटर्न एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज बता दू वर्टिकल रेड लाइन्स जो होती है वो ग्रिड लाइन्स है राइट right? लेकिन वर्टिकल ब्लैक लाइन्स कहीं कहीं बीच बीच में आपको दिखेंगी ठीक है वर्टिकल ब्लैक लाइन्स दीज आर लॉन्गिट्यूड्स ओके कीप दिस इन माइंड वेरी क्लियरली दीज आर ऑलवेज बाय ब्लैक राइट सेम वे हॉरेजोंटल ब्लैक लाइन्स आर कॉल्ड द लैटिट्यूड आर नॉट द ग्रेड लाइन्स ओके बी वेरी क्लियर ये ब्लैक कलर की जो हॉरेजोंटल लाइन्स है दीज आर द लैटिट्यूड्स हॉरेजॉन्टल लैटिट्यूड वर्टिकल वंस लॉन्गिट्यूड्स ओके अब देखो लेट्स टॉक अबाउट द सेम रेडियल पैटर्न यहां देखो बच्चों ये वाला जो ग्रिड स्क्वायर है मैंने आपको ये वाला दिखाया है सिक्स थ्री टू वन ठीक है आप देख सकते हो एक एक पोर्शन से ठीक है ये 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 ऑलमोस्ट इस पोर्शन से अलग अलग स्ट्रीम्स ओरिजिनेट हो रहे राइट यस आई होप यू आर एबल टू सी दिस एंड दीज स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस क्लियर और इस वजह से ये स्क्वायर के अंदर जो पैटर्न uh, है दिस इज रेडियल पैटर्न ओके सो इन दिस वे यू हैव टू मेंशन अच्छा कभी-कभी कोई स्ट्रीम फ्लो करते-करते लास्ट में एक डैश 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 करके कंटिन्यू करते मतलब वो कहीं वो डिसअपीयर होने लगती है तो उसको बोलते हैं डिसअपीयरिंग पैटर्न ओके जनरली सैंड वगैरह के पास आप देखोगे स्ट्रीम्स फ्लो करते-करते अचानक से जैसे Uh, उसमें डैश 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 करके इसमें शो किया जाता है बट बेसिकली दैट इज एक्चुअली दॉटर गेट्स एब्सॉर्ब इन दैंड तो इट्स नॉट विजिबल ऑन द सर्फेस राइट अगेन वेयर इट इज अ रॉकी सर्फेस अगेन द वॉटर कम्स अप ऑन द रिवर कम्स अप ऑन द सर्फेस तो अगेन इट इज विजिबल फिर कहीं पर जैसे सैंडी uh, एरिया है वहां पर फिर वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो so इस तरह से जब रिवर कुछ समय के लिए हमें दिख रही है फिर अगेन इट इज इनविजिबल फिर अगेन तो उसको हम बोलते हैं डिस पैटर्न ओके तो ये बच्चों ये सब हो गए हमारे ड्रेनेज पैटर्न क्लियर अब एक और है सेटलमेंट पैटर्न सेटलमेंट पैटर्न से पहले बच्चों एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इन द मैप गिवन राइट द एरिया विच इज कवर्ड बाय द मैप अब यहां पर आप देख सकते हो इस टोपो शीट में एटलीस्ट ये पूरा एरिया जो है वो रॉकी लाइक माउंटेनस एरिया है ओके पूरा माउंटेनस एरिया है और उसमें कोई बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स कोई नहीं है एक्सेप्ट दिस वन राइट एक्सेप्ट दिस बिग से वेरी हाई अल्टीट्यूड बट स्टिल बिकॉज वेरियस फैसिलिटीज इट इज गेटिंग सो इट इज डेवलप्ड इन टू अलिएटलमेंट ओके यू कैन सी सो मेनी permanent huts are there right permanent huts bolte hain bachcho जो परमानेंट बिल्डिंग्स होती है उनको हम बोलते हैं परमानेंट हट्स ओके और वो हमेशा हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक स्क्वायर होगा या कोई भी आउटलाइन होगी और उसमें पूरा फिल्ड होता है रेड दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट ओके जब सिर्फ आउटलाइन होगा तो उसको हम बोलते हैं टेम्परे सेटलमेंट ओके तो यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट विच वी कैन फाइंड एंड विच इज वट दिस इज आबू okay and abu is actually um, it is getting various facilities right water facilities there it is connected with the power supply it is getting it is connected with the metal road okay so all these things it has and that's why it is the most important settlement area wise area also can be one point area wise it is the largest settlement so that's why it has become the most important settlement at least in this the area which is covered by this map ओके क्लियर अच्छा बच्चों इसमें सेटलमेंट पैटर्न जब भी पूछते हैं सेटलमेंट तो, है, साथ क्लोज एकदम होते क्लोजली पैक्ड होते दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड उसका एक और टर्म यूज किया जाता है कॉम्पैक्ट राइट right? या एग्लोमरेटेड ये सारे टर्म्स हम यूज करते हैं फॉर द सेटलमेंट ओके अगर सेटलमेंट्स जैसे अगर हाउसेस जो हैं हाउसेस नहीं हम बोलते हैं यहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं हट्स राइट टेंपरेरी हट्स या परमानेंट हट्स तो अगर ये दूर-दूर होते हैं राइट लेट्स सी इफ एनी एग्जांपल वी आर गेटिंग यहां तो पूरा ये डेंस न्यूक्लियरेट सेटलमेंट है राइट right? माउंटेंस पर तो और कहीं सेटलमेंट्स ज्यादा नहीं दिख रहे यस यू कैन गेट इट इन द सदर्न पार्ट यस चिल्ड्रन Uh, देखो यहाँ पर माउंटेन्स एंड हो रहा मैंने आपको बताया था कि दिस इज एक्चुअली फुटहिल एरिया राइट ये येलोइश कलर्ड पार्ट जो है ये फुटहिल एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो सेटलमेंट स्कैटर्ड है राइट छोटे छोटे सेटलमेंट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे एंड दीज आर नॉट एट वन प्लेस कैन यू सी दिस मेनी सच स्मॉल परमानेंट हट्स आर देयर परमानेंट और टेम्परेरी हट्स वॉट एवर बट दे आर स्कैटर्ड

अगर हमें एरिया निकालना हुआ ठीक है अगर हमें एरिया कैलकुलेट uh, करना है तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक चीज याद रखना जब भी ईस्टिंग जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एरिया बिटवीन द ईस्टिंग 63 ठीक है 63 दिस वन बिटवीन द ईस्टिंग 63, टू 66 ठीक है 63 टू 66 कितने स्क्वायर हम कवर कर रहे हैं वन ठीक है one, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री राइट आपने लिख लिया थ्री देनॉंग फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटी टू एटीन टू ट्वेंटी टू मतलब एक ये हो गया ठीक है एटीन टू नाइनटीन ये हो गया ये हो गया और ये हो गया मतलब फोर स्क्वायर हम कवर कर रहे हैं राइट एटीन टू ट्वेंटी टू अब वहां पर थ्री था राइट right? और यहां पर फोर है आपको क्या करना है सिंपल थ्री इन टू फोर

तो अब आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो एरिया जब कैलकुलेट करोगे आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे वन ग्रिड स्क्वायर हैज द एरिया ऑफ वन स्क्वायर किलोमीटर सो हाउ मेनी ग्रिड स्क्वेयर्स वी आर गेटिंग एरिया ट्वेल्व इंटू वन स्क्वायर किलोमीटर दैट्स ऑल एंड दैट विल बी योर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया राइट डिस्टेंस मेजरमेंट करना है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए बच्चों दो प्लेसेस आपको दिए जाएंगे ठीक है यहाँ पर तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे कोई है नहीं बट yes, लो आपको कोई दिए गए इसमें एग्जाम में ठीक है उन दो प्लेसेस का ऑलमोस्ट वी जस्ट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द टू प्लेसेस राइट उनको आप या तो आप स्केल से डायरेक्ट मेजर करो डायरेक्ट डिस्टेंस स्केल से मेजर कर सकते हो ठीक है अगेन इन सेंटीमीटर नॉट इन इंचेस राइट आपने सेंटीमीटर में मेजर किया सपोज 5.2 5.3 जो भी आ रहा है ठीक है 5.3 डिवाइड बाय 2 हमेशा डिवाइड बाय 2 करोगे क्योंकि स्केल हमारा वो है ठीक है तो 5.3 डिवाइड बाय 2 आपने किया कितना आया यस yes? मान लो जो भी वैल्यू आ रहा है ठीक है 2.5 uh, 2.6 टू पॉइंट सिक्स फाइव मान लो आ गया अब टू पॉइंट फाइव जो है वो किलोमीटर होगा राइट right? जो भी वैल्यू मान लो फाइव पॉइंट वन हुआ डिवाइड बाई टू किया टू पॉइंट फाइव तो जो भी आप कन्वर्ट करोगे वो वैल्यू किलोमीटर्स में आप लिखोगे ठीक है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मेंशन योर आंसर लाइक मेजर द डिस्टेंस एंड मैं यूर आंसर इन मीटर्स तो आप उसी को कन्वर्ट कर दोगे सपोज फाइव किलोमीटर है तो उसको लिखोगे फाइव थाउजेंड मीटर्स कन्वर्ट दैट ओके क्लियर तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है राइट आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ये अब देखो एक uh, और uh, चीज यहां पर है रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया था ऑक्युपेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखो नंबर वन अगर वो ग्रीन वॉश है फॉरेस्ट्री right? तो ठीक है नंबर टू अगर वो येलो वॉश है येलो कलर्ड एरिया शो कर रहा है तो दैट इज द मेन ऑक्युपेशन रिलेटेड विद दैट इज एग्रीकल्चर या कल्टिवेशन ओके नंबर थ्री अगर वो व्हाइट कलर्ड एरिया है व्हाइट पैचेस है वहां पर तो व्हाइट पैचेस में या तो एक बैरन लैंड होता है राइट right? या कभी कभी बच्चों वहां पर इस टाइप का आपको दिखेगा जो बिगनिंग में मैंने आपको बताया था ओपन स्क्रब यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ठीक है ओपन स्क्रब यहां भी है यहां भी है तो ओपन स्क्रब जब भी होगा बच्चों ओपन स्क्रब जो है एक टाइप का वेजिटेशन होता है ठीक है और ये वेजिटेशन जनरली वहां मिलता है जहां पर रेनफॉल कंपेरेटिवली बहुत कम होता है ठीक है सीजनल रेनफॉल होता है और बहुत कम रेनफॉल होता है तो वहां पर जनरली थॉर्नी बुशेस और बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ वाले प्लांट्स वगैरह देखेंगे तो वो ओपन स्क्रब जो है उसपे बेस्ड uh, कौन सा ऑक्यूपेशन हो सकता है वहां पर उससे रिलेटेड आप दे सकते हो एनिमल डोमेस्टिकेशन या कैटल रेयरिंग ओके अगर वो सिंपल वाइट पैच है नथिंग इज मैंशन

कैन बी वन ऑक्यूपेशन माइनिंग माइनिंग और कभी कभी आपको kiln, uh, मिलेंगे, मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो ठीक है अगर कोई बड़ा सा सेटलमेंट है सपोज ये राइट आबू वी ऑल नो दैट आबू इज अस्टोरिकल प्लेस राइट तो इट्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म ऑल्सो इन दैट केस राइट और अगर uh, हमें ये चीज क्लियर नहीं है तो कोई भी सेटलमेंट से रिलेटेड इफ इट इज कनेक्टेड विद द अदर सेटलमेंट्स वेल कनेक्टेड विद द अदर सेटलमेंट्स बाय मेटल रोड्स तो वहां पर आप एक और चीज आप ऐड कर सकते हो दैट इज द ट्रेड कैन बी वन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन देयर, राइट ट्रेड और इन इन टोटल यू कैन जस्ट ऐड वन वर्ड यू कैन यूज देयर दैट इज जनरली टर्शियरी ऑक्यूपेशन टर्शियरी

ओके okay. अपने आप से कुछ भी नहीं देना है एक तो एक तो वेजिटेशन इस वाले मैप में, right? तो में यूज करना है बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखोगे वेजिटेशन यहाँ मैं राइट यहाँ पर आप देखोगे कुछ कुछ अलग अलग टाइप के वेजिटेशन यहाँ लिखे होंगे जो देखो यहाँ पर ये यह, ये लिखा है डेंस मिक्सड जंगल विद बैम्बू गॉट इट? ये डेंस मिक्स जंगल विद बैम्बू फिर यहाँ पर देखो नीचे इधर दिया हुआ है ओपन मिक्स जंगल क्लियर फिर इसी तरह से और दिया हुआ है फेयरली डेंस मिक्स जंगल, ओके ये फिर इसके बाद और ये ऊपर एक और दिया हुआ है डेंस मिक्स जंगल विद बैम्बू अगेन राइट तो इस तरह से बच्चों एंड इंक्लूडिंग दैट ओपन स्क्रब ओके okay. ये सारा आप दोगे एंड ओपन स्क्रब ये सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेशन यहां पर हैं प्रेजेंट ठीक है जब वेजिटेशन टाइप्स पूछते हैं तो आपको ये देना है हैव यू और जब रेनफॉल पूछते हैं तो रेनफॉल आपको ये ये रीजन पूरा ऑब्जर्व करोगे बिकॉज इट्स मिक्स्ड जंगल राइट ओके मिक्स्ड जंगल विद बैम्बू फेयरली मिक्स्ड जंगल राइट मिक्सड जंगल जब भी होगा मीन्स इट इज नॉट हेवी रेनफॉल हेवी रेनफॉल होने पर किस टाइप का जंगल मिलेगा वहां एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन तो यहां पर आपको डेसिडियस डेसिडियस वर्ड नहीं यूज करना यहाँ पर आप दे सकते हो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन वी इट मीन्स दैट इट इज सीजनल रेनफॉल एरिया राइट क्लियर एंड मोर ओवर इससे रिलेटेड एविडेंसेस पूछते हैं कि एविडेंस इज सजेस्ट दैट द एरिया गेटिंग सीजनल रेनफॉल या लेस रेनफॉल राइट सीजनल स्कैंटी रेनफॉल स्कैंटी में आप दे सकते हो ओपन स्क्रब होता है सैंडी एरिया होता है वो सब पॉइंट बट यहां पर इट इज गेटिंग सीजनल रेनफॉल ओके नॉट स्कैंटी क्योंकि यहां पर बच्चों फॉरेस्टेड एरिया है मतलब फॉरेस्ट एग्जिस्ट करना मतलब वहां पर सीजनल रेनफॉल है स्कैंटी अगर होता तो यहां पर फॉरेस्ट नहीं एग्जिस्ट कर पाता ओके विद इट जस्ट यूज दैट वर्ल्ड ओके और कौन कौन से पॉइंट सजेस्ट करते हैं तो आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है सीजनल स्ट्रीम्स नंबर ऑफ सीजनल स्ट्रीम्स यू कैन फाइंड ओके मोर ओवर यू कैन जस्ट एड फ्रॉम योर साइड द ओपन स्क्रब ओके ओपन स्क्रब इज एन इंडिकेटर ऑफ सीजनल रेनफॉल एंड इन सर्टेन केसेस सीजनल एंटी रेनफॉल यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोकन ग्राउंड भी है बच्चों राइट ब्रोकन ग्राउंड स्ट्रीम्स के साथ साथ आप देखोग छोटे छोटे ब्लैकिश कलर में यहाँ पर सिंबल है राइट right? ये ब्रोकन ग्राउंड है ब्रोकन ग्राउंड इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग सिम्बल फॉर इंडिकेटर फॉर सीजनल रेनफॉल तो ये सारी चीजें आप इसमें दे सकते हो बच्चों ठीक है क्लियर Uh, uh, I hope now this, uh, the, the uh, questions related with this map, this particular topo sheet, are clear to you. Yes, uh, you can do one thing. You just try at your end, just try and practice it. Okay, you may find some doubts. So you can give, you can just ask in the comments. Okay, and uh, um, I am hundred percent sure if you just follow all these things, uh, exactly the same things are going to be covered in all the topo sheets, whatever may come in the exam. Right? It's not that yehi topo sheet aayega, ya seven number aayega, ya yehi topo sheet jo aapke book mein hai, wahi aayega. ऐसा नहीं है आप अपने आप को प्रिपेयर करो इन सब चीजों के लिए फोर फिगर कर, कर लिया प्रैक्टिस सिक्स फिगर कर लिया एंड डायरेक्शन हैं फीचर्स हैं ड्रेनेज पैटर्न सेटलमेंट पैटर्न ऑक्यूपेशन सारी चीजें आप कवर कर लो जो भी टोपोशीट आएगा यू कैन ईजिली सॉल्व इट ओके अपने आप से वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर ओके एंड फॉर दैट द मेन थिंग वॉट इज रिक्वायर्ड इज यू शुड प्रैक्टिस राइट प्रैक्टिस इज मस्ट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस बट यस इफ यू विल प्रैक्टिस फॉलोइंग दिस थिंग राइट आई हैव ट्राइड टू डिस्कस एवरीथिंग और अगर बच्चों इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करो या इसके बाद फिर और भी वीडियोज मैं बीच बीच में डालूंगी अभी रिलेटेड विद शीट्स राइट तो अगर आपको कुछ भी इसमें uh, समझ में आए स यू आर गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स नाउ राइट यस और सारे टोपो शीट्स जो भी आप ये वीडियोज में आप फॉलो करोगे सारे टोपोशीट्स अगर आप एक बार कवर कर लो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलो तो हंड्रेड परसेंट यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन द टोपोशीट ऑल्सो विच इज अग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ओके यस and still if uh, you feel that you are getting benefited by this right don't forget to um, share the link of this video with uh, your friends okay so see you soon uh, in the next video again based on one of the topo sheets till then bye